प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज का जो वचन है, देखिए हम परमेश्वर के ग्रेस को जानते हैं। आज का जो विषय मैंने लिया है, अनुग्रह का सिद्धांत। हालेलुया। जिसके पास कॉपी है वो कॉपी निकाल लें और इस वचन को ध्यान से समझिए आप। अनुग्रह का सिद्धांत, जब से परमेश्वर ने रचना की है पृथ्वी की, उत्पत्ति से लेकर अगर हम देखेंगे परमेश्वर का आधार क्या है, हमारे जीवन में परमेश्वर का आधार क्या है, किस कानून के नियत, किस कानून के आधार पर परमेश्वर हमसे बात करता है और किस नियम के आधार पर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक हम उस नियम को अपने जीवन में नहीं लागू करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब तक परमेश्वर का आशीष, उसका नियम हमारे जीवन में काम नहीं करेगा और हमें वो आशीष नहीं मिलेगा जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। हेलो, हालेलुया। इसलिए अनुग्रह क्या है, अनुग्रह परमेश्वर क्यों देता है और अनुग्रह किसको मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का ग्रेस सबके लिए, लेकिन वो काम किसके जीवन में करता है, जो उस नियम के अनुसार चलता है, सबके लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इफिसियों 2:10 देखेंगे कि अनुग्रह सबके लिए था, लेकिन काम किसके जीवन में किया, जिसने विश्वास किया। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं, इफिसियों 2:8 जल्दी पढ़ो बेटा। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। ये अनुग्रह परमेश्वर का दान है। अनुग्रह ही से तुम्हारा, विश्वास के द्वारा तुम्हारा, क्या कहते हैं, दोबारा पढ़ो बेटा, अनुग्रह। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, अनुग्रह सबके लिए है। बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का दुनिया सबके लिए बलिदान दिया है, लेकिन आशीष कौन पाएगा, जो विश्वास करेगा। हालेलुया। इसलिए सबके लिए अनुग्रह है, लेकिन वो अनुग्रह काम किसके जीवन में करेगा, जो विश्वास करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो नियम है जिस नियम के अंतर्गत हमको चलना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम उसको समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, क्योंकि वचन बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। हालेलुया। इस एक घंटा आप पूरी तरीके से ध्यान दें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला राजा 17:8-9, मैं आपको वो सारपात विधवा के बारे में बताना चाहता हूं जिसको नियम नहीं पता था, जिसको इस नियम के बारे में, परमेश्वर के नियम के बारे में पता नहीं था, और परमेश्वर चाहता था कि वो सारपात की विधवा इस नियम को जाने। हालेलुया। हमें से कई इस नियम को नहीं जानते और अपने जीवन में दुख उठाते हैं, प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती हैं, धंधे में प्रॉब्लम आती है, सर्विस में प्रॉब्लम्स आती हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कलीसिया आते हैं, लेकिन आशीष नहीं पाते, क्योंकि वो नियम हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस नियम के तहत हम नहीं पढ़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पहला राजा 17:8-9 हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, उठ सिदोन के सारपत को जा और वहीं रहे, देख मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। हालेलुया। अगर इसका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं, इस वचन की पृष्ठभूमि बताना चाहूं, उस समय 3.5 साल से यहां पर सारपत में पानी नहीं था। हालेलुया। पानी नहीं बरसा था, क्योंकि राजा अहाब को एलिया ने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मेह नहीं बरसेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं, वो नबी हूं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर की ओर से एक सजा थी उन इसराइलियों के लिए जो नहीं जानते थे, उन राजा अहाब के लोगों के लिए जो बाल देवता की पूजा करते थे, जो अशेरा की पूजा करते थे, उनके लिए ताड़ना थी, उनके लिए सजा थी, उनके लिए चेतावनी थी कि यीशु मसीह परमेश्वर को जानो, क्योंकि अगर तुम नहीं जानोगे तो वह परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो तुमसे दूर हो जाएगा। तो यहां पर सारपत की विधवा, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके पास खाना नहीं था, आप सब लोग स्टोरी जानते होंगे इसकी,
जिसके पास रोटी नहीं थी, वहां पर परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और क्या कहा उससे कि जा सारपत की विधवा के पास जाकर वहीं रहे, वही तुझे खाना देगी क्योंकि मैंने उससे बात कर ली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान दीजिए आप परमेश्वर का जो वचन है, देखिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर ने आपको क्यों रचा है, कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने आपको क्यों रचा है, परमेश्वर ने आपका उद्धार किया क्यों किया, परमेश्वर ने अपने बारे में आपको बताया, आपको बचाया, स्वर्ग का अधिकारी आपको बनाया, अनंत काल का जीवन आपको दिया, क्यों दिया, कभी आपने सोचा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरीके से हम कुछ भी नहीं थे, हम क्या थे, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें आशीष दी, परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो क्या चाहता है कि अगर आप उस नियम के अनुसार चलेंगे, अगर वो नियम आपके जीवन में रहेगा, वो नियम आपके जीवन में काम करेगा, तो आप वो आशीष, वो सुख परमेश्वर का हमेशा अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का नियम अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का नियम, आपका अगर आपको बाइबल समझनी है तो आपको पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु के चरणों में रखना पड़ेगा, घुटने टेक कर अपने आप को पहले तो खाली करना पड़ेगा। बाइबल ऐसे मत पढ़िए आप लोग पढ़ते होंगे लेकिन समझते नहीं है। बाइबल को समझना जरूरी है, परमेश्वर के नियम को समझना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 12 का 3 पढ़िए, उत्पत्ति 12 का 3। देखिए इस नियम, ये जो नियम उत्पत्ति 12 का 3 में है, ये पूरी बाइबल का आधार है। पूरे ये नियम जो है, ये परमेश्वर ने पूरी बाइबल में दिया है। हालेलुया। ये नियम हमें परमेश्वर के करीब लाता है, ये नियम हमें परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर लाने में मदद करता है, ये नियम बताता है। हालेलुया। तो ये क्या कहता है नियम, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शराब दूंगा। हालेलुया। तो यानी कि नियम क्या है कि जो तुझे आशीष दे। हालेलुया। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको सुख चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, तो आपको आपको दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। हेलो, ये बाइबल का नियम है। कोई आपको पंडित बोलेगा, कोई कुछ भी बोल देगा कि नहीं साहब आप ये मंत्र पढ़िए आपको आशीष मिलेगा, आप ये करिए आपको आशीष मिलेगा, 40 दिन उपवास रखिए आपको आशीष मिलेगा। नहीं, जब तक आप इस नियम पे नहीं चलेंगे आपको आशीष नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुशर ने दशांश की रीति रखी है, दशांश जो कि बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि हमारे चर्च में सब लोग दशांश नहीं देते, मैं जानता हूं। अगर आपको आशीष पाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका आशीष बढ़ता जाए, अगर आप चाहते हैं दिन पर दिन आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएं, आप आशीषित होते जाएं, आप अमीर होते जाएं, तो आपको उस नियम से गुजरना पड़ेगा। दशांश एक ऐसा नियम है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं आपको आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप नहीं देंगे, वो भी दिल से, समर्पित मन से, अपनी दर्दता में, अपनी घटी में देना है, तब आपको आशीष मिलेगा। यही इंसान चूक जाता है, क्योंकि ये नियम है। एक कार का नियम है कि आपने अगर गाड़ी चलानी है तो पहला आपको फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा, उस किताब में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कार खरीद ली 10 लाख की, 15 लाख की, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे कर लेंगे। हेलो, आपके 10 लाख आ गया, 15 लाख आ गया, आपने गाड़ी खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा चलाएंगे। आपको पहला गियर ही मारना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तभी वो गाड़ी चलेगी, वो नियम है।
हेलो, आपके पास अगर गैस सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, तो आपको उसको दबा के नॉब को दबाकर ऑन करना पड़ेगा और फिर आग लगानी पड़ेगी, तो आप उसको उसका सुख भोग पाएंगे। नियम है कि जब आप देंगे या जब आप किसी के लिए आशीष का कारण बनेंगे, जब आप देंगे तो पाएंगे। हालेलुया। किसान जानता है उस नियम को, जब तक वो बोएगा नहीं फसल होगी नहीं होगी, वो जानता है। और वो भी उसे बोना कैसे है, दिल से, और बोकर उसकी रक्षा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, इस नियम को जानना जरूरी है। इसलिए जब तक आप किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे, आपको परमेश्वर का आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि यह नियम इब्राहिम को परमेश्वर ने दे दिया था कि जब तू जो तेरे लिए आशीष बोएगा उसको आशीष मैं दूंगा। हम किसकी संतान है? परमेश्वर की। हम इब्राहिम के वंश से हैं। किसके वंश से हैं? अरे बोली, मैं इब्राहिम के वंश का हूं। हालेलुया। तो जो इब्राहिम को आशीष दी है, जो नियम इब्राहिम के लिए है, वही हम पे लागू होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप बोएंगे फसल कटेगी, फसल उगेगी। सारपत की जो विधवा है वो नहीं जानती थी, वो अपनी परेशानियों में इतनी तरीके से उलझी हुई थी, वो भूल गई थी। परमेश्वर चाहता था कि वो जाने। परमेश्वर जानता था कि सारपत की विधवा के पास आटा नहीं है, पानी नहीं है, 3.5 साल से अकाल पड़ा हुआ है, कहीं पानी नहीं है। उस सारपत की विधवा के पास पानी है ही नहीं, परमेश्वर जानता है, आटा है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो सारपत की विधवा मेरे नियम पे चले, क्योंकि वो चाहता है कि सारपत की विधवा आशीष पाए। वो आशीष नहीं पा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, हमें अगर आशीष पाना है तो उस नियम को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। हमें अगर बड़ा बनना है तो उस नियम को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे, ये तय है। आप चर्च आते नहीं, कुछ भी आते रहिए, उस नियम पर अगर आप लागू नहीं करेंगे, वो नियम आप अगर अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, अगर आप लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे दिल से, तो आप आशीष नहीं पाएंगे। सारपत की विधवा जो अपनी दुख में, अपनी मुसीबत में बैठी हुई थी, उसी के बारे में सोच रही थी, लकड़ियां बिन रही थी कि जाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। हालेलुया। यहां पर एलिया आता है, यहां पर एलिया आता है, जो परमेश्वर का आदेश लेकर आता है, जो परमेश्वर का नियम लेकर आता है, जो परमेश्वर की वाणी लेकर आता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो यहां पर आता है, अतः उठ, उठकर वो सारपत को गया। कौन गया? एलिया। हालेलुया। और वो जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो एक विधवा लकड़ी बीन रही थी, और उसने उसे बुलाकर कहा कि मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी लेकर आ। हालेलुया। वो जानता है, एलिया ने की थी ना भविष्यवाणी, एलिया ने की थी ना राजा आहाब के सामने भविष्यवाणी कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, आकाश से वर्षा नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। 3.5 साल हो गए, अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं हो रही है, और वो ही कह रहा है पानी पिला मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के नियम को आपको बता रहा है, परमेश्वर का नियम क्या है। वो जो कंगाल विधवा थी जो मंदिर में, वो परमेश्वर के नियम को जान गई थी। उसने अपनी घटी में से, अपनी दरिद्रता में से 2 तांबे के सिक्के डाले परमेश्वर के, और यीशु ने क्या कहा? इसने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि वो उस नियम को जान गई थी। उस नियम के अनुसार अगर अपने जीवन को बिताएंगे मेरे भाई पहले, तो आप आशीष पाएंगे। यहां एलिया ने क्या कहा, पढ़ो बेटा, 11 में से पढ़ो। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बता रहा है एलिया? परमेश्वर का नियम। क्या बता रहा है एलिया? कि तुझे आशीष कैसे मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। कोई समझेगा, एलिया यार आप नबी हैं, आप किसी घर में घुस गए, वो बेचारी गरीब है,
उसे आप रोटी मांग रहे हैं, उसे पानी मांग रहे हैं आप। लेकिन यहां पर एलिया क्या बताने आया है कि तुझे आशीष कैसे मिलेगी, और वो आशीष जो अनंत काल तक तेरे साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। एक टीचर बनकर आया है वो बताने के लिए, मेरी बच्ची मेरी बहन दुखी मत हो, मुसीबत में अपनी मुसीबत को भूल जा। आपकी मुसीबतें आपके पास क्यों हैं? क्योंकि आप उस नियम पे नहीं चलते हैं, आप उस नियम पे नहीं चलते हैं। आप किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनते। दोपहर में कोई आपके घर में आ गया और आपने खाना बनाया हुआ है, आप उसके जाने का इंतजार करते हैं, कब उठेगा यार, चिकन बनाया हुआ है यार, कब यहां से जाएगा तो हम खाना खाएंगे। होता है, जितने हंस रहे हैं सब लोग करते हैं। हालेलुया। तू सबसे पहले करती होगी, नहीं करती? हालेलुया। इंतजार करते हैं आप, और मान लो वो नहीं गया और भूख लग रही है तो चलो आइए खाना खा लीजिए। अब वो खाने के लिए बैठा तो आप देखते हैं कि हम उसे कितना दें ताकि हमारा रात को बच जाए। रात को भी हमें खाना है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 रोटी और 2 मछली वो नियम है। उसने 5 रोटी और 2 मछली दी और 5,000 ने खाया। हेलो, ये नियम है। यीशु नियम बता रहा था कि तुम दो, इसलिए उसने कहा फिलिपुस से कि तुम क्या दे रहे, तुम खाना दो, तुम दो। फिलिपुस ने कहा इस जंगल में खाना दूं मैं, हम इस जंगल में खाना कहां से लाएंगे। यीशु मसीह वो नियम को इंट्रोड्यूस कर रहा था, मेरे चेलो मेरे बच्चों नियम सीखो। दरिद्रता में से अपनी घटी में से किसी को आशीष देना सीखो, देखो परमेश्वर छप्पर फाड़ के आपको देगा आशीष। यस, प्रेज द लॉर्ड। अपनी दरिद्रता में से, बहुत से लोग डाल रहे थे दान, धनी। यीशु मसीह ने क्या कहा, इन्होंने अपनी बहुतायत में से दिया है, लेकिन इस विधवा ने अपनी दरिद्रता में से दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देने में कंजूसी मत करिए, मैं सच कह रहा हूं भाई, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आपकी बढ़ोतरी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको आशीष मिले, ईमानदारी से मैं गर्व नहीं करता हूं, लेकिन परमेश्वर के नियम पे चलता हूं। चाहे मुझे कहीं से 500 रुपए का आशीष मिलता है, या 5,000 का मिलता है, या 50,000 का मिलता है, उसी समय दशांश अलग कर देता हूं। उसी समय, कल नहीं देखता हूं कि कल मैं संडे जाऊंगा तब डालूंगा, अगले महीने डाल दूंगा, अभी यूज कर लूं। नहीं नहीं, वो मेरा है ही नहीं। मुझे आशीष मिला, आज मुझे 1,000 रुपए की इनकम हुई, 900 मेरे हैं, 100 मेरे है ही नहीं। जिस दिन आपने यह भावना आ जाएगी, उस दिन जिस नियम के संग आप ये चलेंगे, उस दिन आप देखिए आपके जीवन में कैसे परमेश्वर काम करता है, क्योंकि आप अपने बंधनों को खुद बांध रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि मेरा हर बच्चा आशीष पाए, हर बच्चा आशीष पाए। सारपत की विधवा के पास एलिया गया और एलिया कहता है कि जा पानी लेकर आ, खाना लेकर आ मेरे लिए। वो उस नियम के बारे में नहीं जानती थी। क्या कहा उसने, पढ़िए। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहती है सारपत की विधवा, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, क्योंकि वो उस नियम को नहीं जाती है, वो जानती नहीं कि वो परमेश्वर मेरा है। जिस दिन वो नियम को जान लेगी ना,
उस दिन वो कहेगी मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, मेरा प्रभु है। इसलिए उसने कहा तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास मुट्ठी भर आटा है। जिस दिन आप उस परमेश्वर को अपना बना लेंगे ना, आप उसकी शक्ति को जान लेंगे, आप उसकी शक्ति को जान लेंगे, आपका दिल करेगा कि मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं, क्योंकि मैं अपने पिता को जानता हूं, मैं अपने पिता को जानती हूं। अरे दो, हालेलुया, घर में जितना दो, हमारी बहनें आई हैं, हमारे बच्चे आए हैं, दो खिलाओ, क्योंकि मैं अपने पिता को जानता हूं, वो मेरी घटी में अद्भुत आशीष देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं जानती थी, इसलिए बोली कि मेरे पास कुछ नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर को जानेंगे, उस दिन आप कहेंगे मेरे पास यीशु है, मेरे पास परमेश्वर है। आप रोटी की बात कर रहे हैं, आप खाने की बात कर रहे हैं, मेरे पास परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप उसे जान लेंगे, उसकी शक्ति को जान लेंगे, मेरे भाई, वो सारपत की, इसीलिए एलिया यहां पर आया। वो जानता है परमेश्वर की, सारपत की विधवा नहीं जानती है मेरे बारे में, और मैं चाहता हूं कि उसको आशीष मिले। वो विधवा है, छोटा सा बच्चा है उसका। अब आप सोच लीजिए, एक विधवा के पास पति नहीं है, इनकम नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा हर बच्चा, जिस दिन मेरे बताए वचन को, जिस दिन मेरे बताए नियम को अपने जीवन में उतारेगा, उस दिन इसके जीवन में आशीषों की नदी बहेगी, आशीषें बहेंगी आपके जीवन में। हालेलुया। क्या बोला नेक्स्ट, जल्दी पढ़ा करो बेटा। और मैं दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ, और हम उसे खाए फिर मर जाए। तब एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, एलिया उसे मजबूर कर रहा है, एलिया उसे मजबूर कर रहा है कि ये परमेश्वर का आशीष पाए। इसलिए वो बोल रहा है, पहले मेरे लिए ला, क्योंकि जिस वक्त जिस पल तू मुझे देगी, परमेश्वर भंडार खोल देगा। आमीन। वो कह रही है, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी और मर जाऊंगी। वो ये नहीं कह रहा कि तू नहीं मरेगी, वो कहता पहले मुझे दे, क्योंकि वो कानून, वो नियम जो परमेश्वर का है, तेरे जीवन में लागू होने वाला है। हेलो, हम अपने बंधन को खुद बांध लेते हैं, हम अपने आप को आजमाइशों में डाल लेते हैं। एलिया कह रहा है कि जा पहले मेरे लिए लेकर आ। अरे मेरे बच्चे, तू नहीं जानती है, हालेलुया, जाओ जातियों को सुसमाचार सुनाओ। यीशु ने कहा जाओ और जातियों को सुसमाचार सुनाओ, अपने चेहरा बनाओ, क्योंकि वचन है, नियम है, जिस वक्त तुम सुसमाचार सुनाओगे, चेला बनाओगे, प्रभु का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर बहने लगेगा। वो चाहता है कि मेरे बच्चों में मेरा सामर्थ्य बहे, इसलिए वो कहता जाओ। लेकिन हम बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं, हमारी आड़े बारिश आ रही है, हमारे बच्चे आ रहे हैं हमारे आड़े, हमारा पति हमारे आड़े आ रहा है, खाना आ रहा है, नींद आ रही है, टेलीविजन का शो आ रहा है हमारे आड़े, बैठे हुए हैं। वो सामर्थ जो परमेश्वर का है, उसकी हम चिंता नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अरे वो सामर्थ अगर मेरे पास आया, हालेलुया, वो सामर्थ अगर मुझ में आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा था यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जाओ सुसमाचार दो और अपने संग पैसा और कुर्ता भी लेकर मत जाना। हालेलुया। क्या कहा था, याद है मत्ती 10 में, कि जाओ और अपने संग जब सुसमाचार सुनाने जाओ, ना पैसा लेके जाना, ना कोई कपड़ा लेके जाना, ना कोई थैला लेके जाना, सिर्फ लाठी लेके जाना, क्योंकि उन दिनों कोई ट्रेन वगैरह नहीं थी, गाड़ी नहीं थी,
पैदल चलना पड़ता था तो लाठी के सहारे आप ज्यादा दूर तक चल सकते थे। हालेलुया, क्यों? क्योंकि जिस दिन, जिस पल तुमने सुसमाचार के लिए अपना कदम बढ़ाया, तुम उस परमेश्वर के नियम के अंतर्गत आ गए। अब वो जो नियम है वो आपकी रक्षा करेगा, आपके लिए खाने को वो देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि परमेश्वर के नियम आपके साथ है। तुम परमेश्वर का काम कर रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नियम, वो कानून परमेश्वर का आपके लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए वो कहता सारपत की विधवा से कि जा, तो पहले अपने हिसाब से कर, लेकिन मेरे लिए लेकर आ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नबी था, वो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था, एलिया, उसके अंदर प्रभु का चरित्र था। वो विधवा सोच रहे हो कि आदमी कैसा, इतना भूखा है कि मुझे, मैं मरने वाली हूं और उसकी चिंता नहीं है उसे। मैंने अभी भी कहा कि इसके खाने के बाद मैं और मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन उसकी चिंता नहीं है, इसे कैसा नबी है ये। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं कि पास्टर बोलता है दशांश दो दो दो, अरे कहां से दें? घर में बीमार आपका मां पड़ी हुई है, कर्जे पड़े हुए, और ये पास्टर बोलता है दो दो दो, क्योंकि पास्टर जानता है जिस दिन तुम देगा उस दिन आशीष मिलेगा तुझे। हालेलुया। इसलिए पास्टर बोल रहा है दो, जिस दिन तू देगा तेरे बंधन टूटेंगे और स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया। तू उस चीज को नहीं देख रहा जो पास्टर देख रहा है। वो सारपत की विधवा उस चीज को नहीं देख रही है जो एलिया देख रहा था, कि जैसे ही इसने मुझे दिया, जिसने अपनी घटी में से मुझे दिया, अपनी दर्दता में से मुझे दिया, उसी पल परमेश्वर का आशीष इसके जीवन में काम करने लगेगा। हेलो, परमेश्वर हमको सुख देना चाहता है। हम उसके नियमों को समझ नहीं रहे हैं, हम समझ नहीं रहे, इसलिए हम कंजूसी करते हैं दान दशांश में, हेरा फेरी कर लेते हैं दान दशांश में, अपना नुकसान करते हैं, मेरा नुकसान नहीं करते। बहुत है जो नहीं देते हैं फिर भी मेरा चर्च चल रहा है। हेलो, मुझे कोई कमी घटी नहीं है, मैं बोलता भी नहीं दान दशांश के लिए। आप दीजिए, एक दो बार बोल दिया आपको देना दीजिए, परमेश्वर और आप जानेगा। आपको आगे नहीं बढ़ना है मत दो, आपको आगे नहीं बढ़ना है मत दो, आपको आशीष नहीं पाना मत दो। जो आप कमाते हैं, क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसे ही तू उसमें से नियम के अनुसार चलेगा, तेरे ऊपर बाड़ा बन जाएगा, आशीषों का बाड़ा बन जाएगा, सुरक्षा का बाड़ा बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बरकत का बाड़ा बन जाएगा तेरे चारों तरफ। हेलो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई, अगर आप नहीं दे रहे हैं प्लीज आप दीजिए और आप देखिए परमेश्वर का आशीष, क्योंकि जो आप रोक रहे हैं वो आपका नहीं है। मलाकी 3:9, आप नहीं जानते आप रोक के क्या कर रहे हैं। जो आप रोक रहे हैं आप नहीं जानते उसके लिए आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। हालेलुया। मलाकी 3:9 जल्दी पढ़ा करो। मलाकी 3:9, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। आमीन। आप जब लूटते हैं, आप जब उसके पैसे को नहीं देते हैं, आप जब चोरी करते हैं, आप जब दशांश नहीं देते हैं, तो क्या कह रहा है? आप शराब के बाड़े में आ जाते हैं, आपके ऊपर शराब आ जाता है, आप शराब में आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आप 100 रुपए का दशांश तो आराम से दे देते हैं। यीशु मसीह कहता है ना फारसियों को कि तुम पाखंडी हो, क्योंकि तुम 100 रुपए का 10 रुपए का दशांश तो आराम से दे देते हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेम की चिंता नहीं करते हो।
हम 100-200 रुपए का दशांश आराम से दे देते हैं, 1,000 रुपए का दशांश दे देते हैं, 10,000 रुपए का दशांश दे देते हैं। जिस दिन लाख की बात आती है कि हमारी इनकम 1,00,000 रुपए महीना हो गई, वो सोचते हैं 10,000 रुपए मैं निकालूं प्रभु के लिए, अरे यार मैंने अपनी मेहनत से कमाए। यस, आपको पता है जो कोलगेट कंपनी है, कोलगेट कंपनी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन मुझे अंदाजा है अपने इनकम का 70-80% वो दान में देती है। कोलगेट कंपनी, कित कोलगेट को जानते हैं आप, ब्रश करते हैं, ही इज ए बिलीवर। आसान नहीं है, आसान नहीं है मेरी बहन। जब आपके पास 2 करोड़ हो और उसमें से दशांश निकलना है 20 लाख, आप कहेंगे हम प्रार्थना कर लेंगे, उपवास करेंगे, इसके लिए सोचूंगी मैं, हालेलुया, देना है कि नहीं देना है, मैं प्रार्थना करूंगी पास्टर, इतने पास्टर को दे देंगे, पास्टर कहीं खराब ना हो जाए, 20 लाख रुपए अगर दे दिए तो पास्टर का क्या होगा, नहीं 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 ऐसे नहीं देने, मुझे बात करनी पड़ेगी, प्रार्थना से करनी पड़ेगी, आप बहाने लगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, कभी मत सोचिए, आप अपना दशांश चर्च में दे रहे हैं पास्टर को, अगर मैं उस दशांश को सही यूज नहीं कर रहा हूं तो मुझे परमेश्वर को जवाब देना है। अगर मैं उसका सही उस उपयोग नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझसे सवाल करेगा, आपसे नहीं करेगा, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो श्राप आएगा, लिखा है, लिखा है, श्राप आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए वो जो सारपत की विधवा वो नहीं जानती थी, इसलिए एलिया ने कहा जा पहले मेरे लिए लेकर आ। प्रेज द लॉर्ड। 14वां, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, हाँ, क्योंकि अब बताइए, वो बता रहा है रहस्य क्या है, अब उस रहस्य को, उस नियम को खोल रहा है वो, एलिया उस नियम को खोल रहा है कि अब नियम क्या है, तू जान मेरी बच्ची, मेरी बहन, क्यों मैं तुझसे मांग रहा हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं परमेश्वर का नबी हूं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं, अब मैं तुझे बताता हूं क्यों। पढ़िए बेटा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर जो कि दुनिया का परमेश्वर है ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, जैसे ही तू उस नियम पे चलेगी, जैसे ही अपनी दृढ़ता में से देगी, जैसे ही तू मेरे लिए आशीष का कारण बनेगी, तब तक ना तो घड़े का मैदान समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही तू मेरे लिए आशीष का कारण बनेगी, तेरे तेल नहीं खत्म होगा, तेरा आटा नहीं खत्म होगा जब तक बरसात नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। जैसे इसलिए बोलता मेरी बच्ची, मेरी बहन, लेकर आ मेरे लिए। एलिया के लिए तो खाना स्वर्गदूत लेकर आया था। परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने बंदों को देता है। एलिया थका हुआ था, भूखा था, स्वर्गदूत आया ऊपर से रोटी लेकर, उसको जगाता, एलिया खाना खा ले। एलिया को खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का नियम उस बहन को बताने के लिए एलिया आया था कि मेरी बहन दे, आशीष बनना सीख। कैसे हम लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं? सिर्फ पैसे से ही नहीं, सिर्फ पैसे से नहीं। आप समझते कि हम पैसे दे दिए तो अपनी भूल गए हम, नहीं। आज आपके पास पैसा है और आपने दे दिया तो आपकी जिम्मेदारी खत्म? नहीं नहीं। मलाकी 3:10 क्या कहता है, बिगनी में पढ़ जल्दी से, मलाकी 3:10, सिर्फ यही नहीं है, इंसान क्या कहता है, दशांश दिया भूल गए, सारे दशांश भंडार में ले आओ। हेलो, एक नहीं, कौन से सारे? अब आप लोगों को सिर्फ पैसा ही दिखता है, दशांश का मतलब आप सिर्फ पैसे से समझते हैं। अपने वक्त का दशांश, अपने जीवन का दशांश, अपने काम का दशांश, सारे दशांश। हम समझते हैं कि हमने 10,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, 5,000 दे दिए, हमारी छुट्टी हो गई। नहीं, सारे दशांश लेकर आओ ताकि परमेश्वर
स्वर्ग का भंडार खोलेगा। हालेलुया। हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, सिर्फ दशांश देने में नहीं, पैसा देने में नहीं। कोई बहन बीमार है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके पास सहायता नहीं है, कोई नहीं है कि उसके आप हेल्प करें, उसको रोटी दें, जाइए रोटी बनाइए उसको दीजिए, उसके लिए आशीष का कारण बनिए। आपका पड़ोसी है, उसको बताइए कि मैं यीशु की बच्ची हूं, उसको बताइए। कैसे बताएंगे आप? जब यीशु का चरित्र आप में होगा। नहीं है पैसा, रोटी नहीं है, लेकिन जाकर हाल तो पूछ सकते हैं, बहन में आपके लिए क्या कर सकती हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके कमर में दर्द होगा, उसके हाथ में दर्द होगा, उसके पैर में दर्द होगा, उसके पैर दबा सकते हैं, हालेलुया। उसके घर में अगर कोई चाय बनाने वाला नहीं है, खाना बनाने वाला नहीं है, तो आप खाना बना सकते हैं। हेलो, हमें लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है, क्योंकि वो कहता है कि जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। आपको आशीष कब मिलेगा? जब आशीष का कारण बनेंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो आपको आशीष मिलेगा। नियम है कि इज़राइल का परमेश्वर यह कहता है, जब तू मेरे लिए रोटी लाएगी, जब तू मुझे रोटी देगी, जब तू मेरे लिए आशीष का कारण बनेगी, तो जब तक मैं नहीं बरसेगा, तेरे घर का तेल और तेरे घर की रोटी, तेरे घर का आटा कभी खत्म नहीं होगा। आगे क्या हुआ? तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिय्याह ने जो कहा था उसके वचन के अनुसार किया। क्या हुआ? तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तब तक ना तो उस घड़े, हाँ, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है जब तक, हाँ, भूमि नहीं। अतः उसने जाकर एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से, यानी कि आज से, जब उसने दिया, एलिय्याह और उस स्त्री के घराने के बहुत लोग दिन भर खाते रहे और उनका आटा और तेल नहीं खत्म हुआ। कितना आटा था उसके पास? मुट्ठी भर। कोई बताएगा? मुट्ठी भर आटा। क्या उसमें लिखा हुआ है? एलिय्याह और उसके घर के सारे लोग। वो पढ़ो लाइन, दोबारा पढ़ो बेटा। तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। हाँ। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। उसके घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। इतना सा तेल था, एक मुट्ठी आटा था, कैसे संभव हुआ? मेरा परमेश्वर जादूगर नहीं है, उसका नियम है, उसके नियम पे चलो, आपको आशीष मिलेगा। पक्का है आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। और अगर आप उस नियम पे नहीं चलेंगे मेरे भाई, आपकी आशीषें जो परमेश्वर ने लिए आपके लिए रखी हुई हैं, वो रुक जाएंगी, वो नहीं मिलेंगी आपको। देखिए, ये उसका अनुग्रह है। आज हम पढ़ रहे हैं अनुग्रह का सिद्धांत क्या है। क्या है अनुग्रह? हमें अनुग्रह मिलता कैसे? हमें अनुग्रह कब मिलता है? अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह क्या होता है? हालेलुया। यूहन्ना 1:14 पढ़िए। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है क्या? ग्रेस क्या है? यीशु मसीह क्या लेकर आया? सच्चाई। स्वर्ग से क्या लेकर आया? सच्चाई और अनुग्रह। पढ़िए 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु, एक मिनट बेटा, जब वो आया, वचन कौन था? यीशु मसीह। वो देहधारी हुआ और सच्चाई और अनुग्रह के साथ हमारे बीच में आया। क्या लेकर आया वो? अनुग्रह। अनुग्रह क्या मतलब होता है? न्याय और अनुग्रह में क्या फर्क है जानते हैं आप? न्याय और अनुग्रह के बीच का फर्क क्या है? हालेलुया। न्याय क्या है? आप जिस चीज के योग्य हैं वो आपको मिल जाए तो न्याय है,
प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आप जिस चीज के योग्य हैं अगर वो चीज आपको मिल जाए तो न्याय है, लेकिन अनुग्रह क्या है? आप जिस चीज के योग्य नहीं हैं अगर वो चीज आपको मिल जाए तो वो अनुग्रह है। क्या हम उद्धार के योग्य थे? क्या हम स्वर्ग के अधिकारी के योग्य थे? नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है, इसलिए अनुग्रह का सिद्धांत यही है। इसी का 16 पढ़ो, 1 का 16, यूहन्ना 1 का 16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबसे प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन। उसकी परिपूर्णता में ही अनुग्रह है। जिस दिन, और वो क्या प्रार्थना करता है, अपना इफिसियों 3 का 19 में पौलुस क्या प्रार्थना करता है कि हम उसकी परिपूर्णता से भर जाएं। यूहन्ना 3:19, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। जब हम उसकी परिपूर्णता को जान लेंगे, जब उसमें भर जाएंगे, अनुग्रह पर अनुग्रह हमें मिलेगा। अनुग्रह पर अनुग्रह, मेरी बहन, मेरी बच्ची, अनुग्रह पर अनुग्रह। मैं जितने लोगों से मिला हूं, बड़े से बड़े पास्टर के, कल भी जब हमारे पास्टर हमारे साथ थे, वो आज भी सुबह नाश्ते के समय बता रहे थे कि मैं उस गांव का रहने वाला हूं जहां गाड़ियां नहीं थी, कार ही नहीं थी, और इतनी सड़कें खराब थी। तो मेरे पापा का एक दोस्त, जब मैं छोटा था, मुझे कहता अभी भी याद है, मेरे पापा का दोस्त एक गाड़ी लेकर आया था, कार लेकर आया था, और मैं उस समय सोचता था कि दुनिया में सिर्फ यही कार है जो जॉनी अंकल के पास है और किसी के पास नहीं है। हमने कार ही नहीं देखी थी। प्रेज द लॉर्ड। आज वो पास्टर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, और आज एनटीसी कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं वो। आप देहरादून में जहां मेरा बेटा पढ़ता है, आप उस जगह जाइए और देखिए, और क्या कर रहे हैं आपको पता है? 71 ईयर्स ओल्ड है। उनको अपने पैसे की जरूरत नहीं है, बेटा बहुत कमाता है, लेकिन कॉलेज को चलाने के लिए वो जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं, और आशीष मिलता है, वो आशीष उस कॉलेज को देते हैं ताकि बच्चे परमेश्वर का ज्ञान हासिल करें। मुझे बता रहे थे कि जितने बच्चे हमारे आते हैं उसका 60% लोग पैसा नहीं देते हैं, 40% बच्चे ही पैसा देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए हम किसी को मना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उम्र है? 71। लेकिन कैसा अनुग्रह मिल रहा है? क्योंकि वो दे रहे हैं, किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। आराम से बैठ सकते हैं। बॉस्टन में उनका बेटा काम करता है, बहुत पैसा, मिलियनर आदमी, लाखों पति, करोड़ों पति, लेकिन घूम रहा है वो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन हमारी जो इंपॉर्टेंस है, हमारी प्रधानताएं, जो हमारी जरूरतें हैं, हमारा अगर जो हम अपना उसको अगर हम चेंज कर लेंगे, हम अपनी जरूरत, हमने अपनी जरूरतें सिर्फ अपनी नौकरी तक सीमित कर ली हैं, अपने धंधे तक ही सीमित कर ली हैं। मेरा धंधा चले, ये मेरी जरूरत है, मुझे नौकरी मिल जाए, ये मेरी जरूरत है। जिस दिन आप अपनी जरूरत को परमेश्वर के रास्ते पे लेकर जाएंगे कि मेरी जरूरत है परमेश्वर का राज्य बढ़े, मेरी जरूरत है परमेश्वर का आत्मा आए, उस दिन आपका जीवन ही अलग होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी नौकरी छूट गई, धन्यवाद, यही मौका है कि मैं परमेश्वर के नियम पर चलूं। धन्यवाद, मेरे पास समय है, धन्यवाद, हालेलुया, निकल जाइए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, जाति जातियों तक निकल जाइए।
मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन आप परमेश्वर के नियम पे आ जाएंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के अनुग्रह परमेश्वर के कानून में आएंगे, अनुग्रह ही अनुग्रह आपके चारों तरफ होगा, अनुग्रह ही अनुग्रह आपके चारों तरफ होगा। लेकिन हम अपनी नौकरी को, अपने धंधे को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। हम समझते हैं कि नौकरी ही है जो मुझे सुरक्षा देगी, मेरा धंधा ही है, मेरा पैसा ही है जो मुझे सुरक्षा देगा। नहीं मेरी बहन, हम बहुत गलत सोचते हैं। परमेश्वर की दया है, इसलिए अपने आप को प्रभु के नियम में रखो, प्रभु के राज्य में ले चलो, तब आप उस नियम पे उस अनुग्रह को अपने जीवन में होता हुआ पाएंगे। एक धनी व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका 18 से लेकर 23 तक देखिए आप, यहां समझिए, बोलिए। लूका 18 से 23 अच्छी तरह पढ़ो बेटा। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया, हाँ बोलिए। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता आया हूँ। हालेलुया। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेच कर कंगाल को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। आमीन। आगे यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। वो चला गया। प्रेज द लॉर्ड, क्या हुआ? वो क्या कहता है? मैं जब इस दशांत को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह ने ये सिर्फ 5 आज्ञाएं क्यों बताई हैं? पहली 5 क्यों नहीं बताई? मैं बहुत सोचा मैंने इसके बारे में, घुटने टेके। आज सुबह मुझे पता लगा। हालेलुया, क्या बोला उसने? हे उत्तम गुरु, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, तो परमेश्वर के सिवा आप किसी को उत्तम नहीं कहेंगे, किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि लिखी हुई आज्ञा लिखी हुई है निर्गमन 20 और आपके व्यवस्था विवरण में कि परमेश्वर को छोड़ तो किसी के सामने नहीं झुकना है। हालेलुया, वो क्या कह रहा है यीशु मसीह को? उत्तम। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि उत्तम तू मुझे क्यों कह रहा है? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, क्योंकि पहली 5 आज्ञाओं में तो फेल हो चुका है, क्योंकि तूने मुझे उत्तम कहा। हेलो, आप समझ रहे हैं? कितनी आज्ञाएं थी? 10। हालेलुया, कितनी? वो जो पट्टियां थी, कितनी पट्टियों में 10 आज्ञाएं लिखी थी? जोर से बोलिए, 2 पट्टियों में। हालेलुया, एक पट्टी में कितनी आज्ञा थी और दूसरी पट्टी में कितनी आज्ञा थी? हैं? हेलो, ऊंचा बोलिए, एक पट्टी में 5 नहीं, एक पट्टी में 4 और दूसरी में 6। हालेलुया, वो 4 कौन सी आज्ञाएं थी? एक पट्टी में जो आज्ञाएं थी वो परमेश्वर से संबंधित थी, और दूसरी पट्टी में जो आज्ञाएं थी वो आदमी से संबंधित थी। इसलिए उसमें 4 आज्ञाएं थी और इसमें 6 आज्ञाएं थी। हालेलुया, तो वो 4 आज्ञाएं क्या थी? सिर्फ परमेश्वर को हमें कैसे पूछना, कैसे नतमस्तक करना है, परमेश्वर के सामने कैसे जाना है, कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी है, उसका नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। हालेलुया, ये सारी 4 आज्ञाएं एक पटरी में थी, और दूसरे में क्या था? जो आदमियों से संबंधित था, व्यभिचार मत करना, चुगली मत करना, चोरी मत करना, धोखा मत देना, माँ बाप की सेवा करना, ये सारी जो आज्ञाएं हैं 6, ये माँ बाप, ये मनुष्यों से संबंधित है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। तो क्या बोलता है वो क्या बोलता है कि तू मुझे उत्तम क्यों समझता है? कि तू आज्ञाओं पे चल। कौन सी आज्ञाएं बताई? जो बात की आज्ञाएं थी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, चुगली मत करना,
किसी को धोखा मत देना, माँ बाप की सेवा करना। हालेलुया, ये आज्ञाएं यीशु मसीह ने उसको बताई। उसने क्या कहा, क्या कहा उसने धनी व्यक्ति को जब ये आज्ञाएं मिली? हालेलुया, मैं, उसने कहा कि मैं इनको बचपन से मानता आया हूं। जब यीशु ने ये सुना तो उसने कहा कि मैं तुम में अभी भी एक बात की कमी है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बात की कमी है? कौन सी बात की कमी थी इस धनी व्यक्ति में? हा? कौन सी बात कमी थी इसमें? लालच नहीं था, लालच था। अच्छा, और क्या था? इन्होंने बोला लालच, और क्या थी कमी? हालेलुया, ये परमेश्वर की आज्ञा को जानता था। समय नहीं है इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता। परमेश्वर की आज्ञा को जानता था लेकिन उसके कानून को नहीं जानता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला यीशु मसीह ने कि तुझमें एक बात की कमी है, अपना सब कुछ कंगालों को दे। तू आज्ञाओं को जानता है लेकिन तू अभी तक लोगों के लिए आशीष नहीं बना है। क्या बनाना चाहते थे यीशु मसीह उसको? लोगों के लिए आशीष का कारण। जा अपनी धन संपत्ति बेच और कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे है। प्रेज द लॉर्ड। क्या उसने बोला यीशु मसीह ने? कंगालों को सब कुछ दे, लोगों के लिए आशीष का कारण बन, तुझे अनंत काल का जीवन मिल जाएगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हमारे संग भी यही होता है ब्रदर, हम आज्ञाओं पे चलते हैं लेकिन नियम पे नहीं चलते। हम आज्ञाओं को जानते हैं। यीशु मसीह चाहता था कि उसे अनंत काल का जीवन मिले क्योंकि तो आज्ञाओं को जान रहा है लेकिन किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन रहा है। दे कंगालों को सब कुछ, तुझे आशीष मिलेगा। जब तू देगा तो पाएगा। आशीष चाहिए, आशीष का बीज बोइए, आशीष का बीज बोइए, आशीष मिलेगा आपको। कंगालों को दे, वो नहीं दे पाया, मायूस हो गया क्योंकि वो बहुत अमीर था। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हम यहीं चूक जाते हैं मेरी बहन, हम यहीं चूक जाते हैं क्योंकि हम नियम को, हम कानून को जान रहे हैं, हम आज्ञाओं को जान रहे हैं लेकिन परमेश्वर के दिल को नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर का चरित्र को नहीं जान रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कैसे काम करता है हमारे जीवन में, परमेश्वर कैसे काम करना जानता है, चाहता है, हम नहीं समझना चाहते, हम नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हम। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो परमेश्वर काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो नियम है। उसने इब्राहिम के साथ एक वाचा बांधी, उस वाचा में हम बंधे हुए हैं, वो उस वाचा के अनुसार ही काम करेगा। जो तुझे आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। तुझे आशीष का कारण बनना, और यही केंद्र बिंदु है, यही बाइबल में सिखाया है, इसलिए हमें परमेश्वर ने बचाया है कि हमें लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। जो नियम बाइबल में इब्राहिम के संग परमेश्वर ने बांधा था वही बाइबल का केंद्र बिंदु है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया, ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। इसलिए जिस पल आप उस नियम पर चलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस दिन आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे मेरे भाई, आशीष आपके जीवन में बहेगा। हमें लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है, इसलिए वो कहता है दूसरों के लिए प्रार्थना कर। जो तुझे सता रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा आशीष इसी में है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों दुष्टात्माएं हमारे जीवन में काम करती हैं? क्योंकि परमेश्वर का नियम हमारे जीवन में नहीं है, हम परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं।
हम क्यों आए हैं? हम कभी नहीं सोचते क्यों बचाया परमेश्वर ने। आप क्या बहुत अच्छे थे क्या? आपने बहुत अच्छे काम किए थे क्या? आपकी शक्ल बहुत अच्छी है क्या? आप सोचते हैं आपको बचाया, आपके बहुत खूबसूरत हैं आप क्या, इसलिए परमेश्वर ने आपको बचा लिया? हम कुछ नहीं थे, हम किसी योग्य ही नहीं थे, कुछ भी नहीं थे हम। उसने हमें बचाया है क्यों? ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। अब आपके पास आशीषें कहीं हैं, जो आपको परमेश्वर से आशीषें मिली हैं वो आपको दूसरों तक देनी है, जिसमें एक सुसमाचार है, जिसमें आपके अधिकार हैं, जिसमें आपकी प्रभु की नम्रता है, जिसमें प्रभु का प्यार है। वो प्रभु का प्यार अगर आपको मिला है तो आप वो प्यार किसी दूसरे के जीवन में बोइए, बोइए। परमेश्वर ने आपको प्यार दिया है, विश्वास दिया है, उस विश्वास को बोइए। हेलो, विश्वास दिया है परमेश्वर ने आपको, विश्वास बोइए। परमेश्वर ने आपको प्रेम दिया है, प्रेम बोइए। मेरी बहन, आपका चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु के नियम को अपना बना लीजिए, जो कहता है उसके अनुसार करिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है अनुग्रह का सिद्धांत। अनुग्रह आपके जीवन में कब रहेगा, कैसे काम करेगा, यह है। इसलिए आज से दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए। मैं आपसे फिर कहता हूं, सुसमाचार के लिए निकलिए, कहीं आपको देर ना हो जाए, क्योंकि प्रभु आने वाला ये अंतिम समय है। बहुत आपने कर लिया, मेरा 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 मेरा, मैं मेरे लिए मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, नहीं नहीं हो गया, बहुत हो गया। उस परमेश्वर को वो कहता है कि अपने बच्चों को संभालने का चांस मुझे दे, लेकिन मुझे दे नहीं रहे। हमने बीड़ा उठा लिया, मेरे बच्चे को मैं संभालूंगा, अपने जीवन को मैं संभालूंगा। अरे मुझे दे, मैं हूं बेटा, तो मैं कहता हूं तो उस पर चल, बस बाकी सब चीज मैं देख लूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, उस नियम को, उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लीजिए। नहीं, मुझे दूसरों के लिए जिंदा जीना। मैं पर आप किस लिए जिंदा है? यहां पर आप इस धरती पर उद्धार पाकर क्यों हैं? किसके लिए, किसके लिए हैं? हेलो, कोई नहीं बोल रहा है। प्रभु के लिए। किसके लिए हैं आप? हालेलुया। इसलिए जो प्रभु कहता है वो करिए। अपने आप को भूल जाइए मेरी बहन, अपनी चीजों को भूल जाइए, दूसरों के लिए जीना सीखिए, आपकी चीजें अपने आप बदलती शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।